दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेक। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में 23,000 को पार कर चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या और बिहार के कई जिला अत्यधिक प्रभावित देखा जा रहा है। बिहार के कटिहार के सदर अस्पताल में जांच प्रक्रिया बंद कर दी गई है और कहा गया है कि 985 पॉजिटिव संख्या कटिहार जिले में हो गई है और 19 तारीख तक वहां बंद कर दिया गया। वहीं फलका बाजार को सील बंद कर दी गई है। उधर कटिहार जिले के अलावे जितने भी बिहार के जेल परिसर हैं, बाहरी जेल परिसर, उसे कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। चारों ओर बाढ़ का कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ के पानी से नदियों में जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उधर कोरोना पीड़ितों के बढ़ने से बिहार सरकार त्राहिमाम मचाई हुई है और बिहार सरकार काफी चिंतित है। केंद्र सरकार ने भी टीम भेजने की बात कही है। भागलपुर और नवगछिया के बीच पुल बनाने की बात कही जा रही है, जो रेल और सड़क पुल विक्रमशिला पुल के समानांतर बनेगा, जो कटरिया एक छोर और दूसरा छोर सुल्तानगंज तक पहुंचेगा, जिसकी किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी 24 किलोमीटर लंबी यह पुल बनाने की बात कही गई है, जिसकी निविदा दिसंबर में निकालने की बात कही जा रही है। उधर कटिहार जिले के नगर निगम, कटिहार नगर निगम से 21 करोड़ रुपया वापस भेज दिया गया है, क्योंकि कटिहार में मेयर उपमेयर पदच्युत हो चुके हैं और राशि खर्च नहीं की गई, बैठक नहीं हुई, इसलिए वह राशि जो सड़क नाली बनाने के लिए था, उस राशि को वापस कर दिया गया। कटिहार के बारसोई में नदियों में दो बच्चे के डूब जाने से काफी परिजनों में कोहराम मचा हुआ। उधर मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कई जिले में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित कई जिले में 20 तारीख तक बारिश होगी। कटिहार के फलका में लोगों ने प्रशासन के सहयोग से हाट बाजार को बंद कर दिया है और उसे ब्रैकेटिंग करके घेर दिया है। उधर लालू प्रसाद यादव ने बिहार के आम लोगों की सुध लेते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार मृत प्राय है। नीतीश सरकार के शासन काल में बहुत ही ज्यादा आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं और इस तरह कठिनाई के बीच में रोजगार का अभाव है, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, पलायन करने वाले लोग जो वापस आए हैं उन्हें अनाज नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ लालू प्रसाद ने कहा है कि यह सरकार 15 साल की सरकार पूर्ण रूपेण विफल सरकार है। कहा जाता है कि जो 264 करोड़ के लागत से जो 70 घाट महासेतु पुल बना था, उस पुल निर्माण के बाद, उस पुल के टूटने के बाद जो कोहराम मचा, उसके बाद 3 FIR दर्ज की गई है। लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा जो श्रम मंत्री हैं, वो भी संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ वंदना जो कमिश्नर भागलपुर की है, वो भी संक्रमित पाई गई है। उधर रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में सांसद हैं और उनकी पत्नी है, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेतागण पॉजिटिव पाए गए हैं। कटिहार की बात अगर करें तो कटिहार के आसपास के इलाके में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, पटना आज के डेट में बिहार में सबसे ज्यादा हॉट माना जा रहा है। पटना में हजारों मरीज होने से पटना प्रशासन काफी सचेत है। बिहार में भारत सरकार की तरफ से मदद करने की बात कही जा रही है। उधर सुशील मोदी और नीतीश कुमार चुनावी बात करते हैं और चुनाव में आम लोगों को झोंकने की प्रयास में लगे हुए हैं, जिसका विरोध विपक्ष के नेतागण करते हैं और विपक्ष एकजुट होकर यह प्रस्ताव पास कर किया कि इस COVID-19 के प्रभाव के बीच में और साथ ही साथ इस बाढ़ के प्रभाव के बीच में बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का डर है नीतीश कुमार को कि अगर
चुनाव वक्त पर नहीं होता है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन के डर से नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, जबकि यह चुनाव कराना आम लोगों के बीच में कोरोना को तेजी से फैलाने वाली बात कही जाएगी। सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।